अब हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर देखो जो रैशनल नंबर है वो होता है आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में, बट कंडीशन के अंदर ये है कि जो क्यू है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो क्यू है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पी बाय मान लो क्यू जीरो हो जाता है, पी बाय जीरो, तो अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो याद रखना हमेशा जो आपका q है डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, इट इज नोन एज रैशनल नंबर। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज करते हैं पहले। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसने लिखी है वो बता रही ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट अ कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ऑल द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। इसके बारे में पढ़ते देखो, वो बोलते हैं ऑल द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप सबको पता है, होल नंबर आप सबको पता है, इंटीजर्स पता है, फ्रैक्शंस पता है, वो बोलते कि दे आर रैशनल नंबर बट कन्वर्स। इस लाइन ध्यान दीजिएगा, कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्या कि ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर, ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर आर फ्रैक्शंस, राइट। इस तरह से बोलते कि इट मे नॉट बी ट्रू, वो ट्रू नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ऑल द नेचुरल नंबर्स ये कन्फर्म है कि वो रैशनल नंबर होंगे। All the whole number, वो रैशनल नंबर होंगे। All the integers, वो रैशनल नंबर होंगे। All the fractions, वो रैशनल नंबर होंगे। दोनों एग्जांपल दे देते हैं। पहला हमने एग्जांपल लिया नेचुरल नंबर का। कोई भी नेचुरल नंबर हो, लेट इट इज 3। तो क्या 3 रैशनल नंबर है? यस, 3 को आप डिवाइड बाय 1 कर दो, p by q की फॉर्म बन गई, ये नेचुरल रैशनल नंबर हो गया, राइट। होल नंबर की बात कर लेते हैं, होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, बट जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, जीरो होल नंबर, जीरो की बात कर लेते हैं, जीरो, जीरो डिवाइड बाय वन कर लो, अगेन आपका क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, पी बाय क्यू की फॉर्म है, तो ये क्या आपका होल नंबर, एक रैशनल नंबर हो गया। फ्रैक्शंस पे आ जाते हैं, इंटीजर्स पे, पहले इंटीजर्स की बात कीजिए, इंटीजर्स पे आ जाते हैं, लेट इट इज -4, राइट, -4 की उसने बात की है, तो -4 डिवाइड बाय 1, अगेन इट इज रैशनल नंबर, पी वाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है, ये क्या आपका रैशनल नंबर है। फिर फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, फ्रैक्शंस को ये क्लियर हुआ, 3/4 है, 3/4 क्या है, रैशनल नंबर है, राइट, और पी वाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है, क्लियर। तो ये क्या है आपके पास, ये तक ये सारे जो नंबर हैं ये रैशनल नंबर है। अब बोलते कन्वर्स मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, कि जो रैशनल नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कन्वर्स की बात कर लेते हैं, कन्वर्स की मैंने एग्जाम्पल लिया इंटीजर्स का, जैसे -4/1, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, मैं कन्वर्स की बात कर रहा हूं, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर बट
not a natural number. This is not a whole number. ये whole number भी नहीं है. ठीक है, तो इस तरह एक बताना चाह रहा है कि जो आपके पास जितने भी natural number, whole number, integers, fractions हैं, वो सारे rational number होते हैं. बट जो converse है, वो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता. ठीक है, ओके. सेकंड प्रॉपर्टी की चलते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी बोलते हैं द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर. दो रैशनल नंबर हैं, उनका जो सम होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा. एग्जांपल लेते हैं, कोई भी आप प्रॉपर्टी लेंगे, एक बात का ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हो उसको अपने एग्जांपल से रिलेट करना है. एग्जांपल से रिलेट करोगे मैथमेटिक्स बहुत आसान रहेगा, एग्जाम्पल से रिलेट नहीं करोगे मैथमेटिक्स हमेशा डिफिकल्ट बनेगा. आपको बताऊं, मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, बहुत ही ज्यादा आसान सब्जेक्ट है. बड़ा मजा आता है मैथमेटिक्स के साथ खेलने में. बट अगर आप कंसेप्ट के साथ नहीं चलोगे, एग्जाम्पल्स के साथ नहीं चलोगे, तो वो हमेशा परेशान करेगा. राइट, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. राइट, ओके. सम ऑफ टू रैशनल नंबर या रैशनल नंबर. एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक रैशनल नंबर लिया 3/4, दूसरा रैशनल नंबर मैंने लिया 7/12. दो रैशनल नंबर लिए मैंने, इनका मुझे सम करना है. मैंने सम किया, मेरे पास जो एलसीएम लिया मैंने एलसीएम इसका 12 आया, 4 3 12 3 9. मैं ये एलसीएम की सब के कर रहा हूँ, क्या आपको एलसीएम आता होगा? किसी बच्चों का एलसीएम नहीं भी आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा. 12/12 1 1 7 7 9 7 16 16/12 4 से अगर आप कट करोगे 4 4 16 4 3 12 4/3 4/3 क्या है? इट इज अ रैशनल नंबर. p / q की फॉर्म में है, q 0 नहीं है. सो इट प्रूव्स दैट सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है द डिफरेंस बिटवीन difference between two rational numbers is a rational number. difference between two rational numbers is a rational number. example क्या देखते हैं कि अगर दो आपके पास rational number है, उनको आपस में आप subtract करोगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा. 3/4 सेम रैशनल नंबर लेते हैं जो हमने सम के टाइम लिया, 3/4 -7/12 ऐसे लिया 12, 9 -7 2/12 1/6 ये क्या है? ये भी आपका एक रैशनल नंबर है. p / q की फॉर्म में है, q 0 नहीं है. राइट, तो ये आपके पास क्या है, ये प्रूव करते हैं कि सम होगा रैशनल नंबर का, वो भी रैशनल नंबर ही आएगा, और जो डिफरेंस होगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा. अगली प्रॉपर्टी में चलते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू rational numbers is a rational number. वो बोलता है कि जो दो रैशनल नंबर है, अगर आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने दो रैशनल नंबर लिए, तो लिए 3/4, एक मान ले लिए 5/6, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 3 * 6 5 / 4 / 8
5/8 अगेन रैशनल नंबर p y q की फॉर्म 20 नहीं है सो प्रॉपर टू रैशनल नंबर रैशनल नंबर अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा ओके नेक्स्ट डिवीजन ऑफ ये अच्छा है इसमें बहुत कुछ बताने को मिलेगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो भी रैशनल नंबर ही आएगा इससे पहले मैं आपको इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी चीज बताता हूँ चार क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं वो क्वेश्चन करने आपने चार क्वेश्चन टाइप है वो बता देता हूँ पहले टाइप है ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी ए इसके अंदर न्यूमरेटर है और बी बाई सी डिनोमिनेटर है सेकेंड ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी ए डिवाइड बाई बी इसके अंदर न्यूमरेटर है सी इसके अंदर डिनोमिनेटर है थर्ड ए डिवाइड बाई डी ए डिवाइड बाई बी इसके अंदर न्यूमरेटर है और सी बाई डी डिनोमिनेटर है इसके क्या आंसर आएंगे फर्स्ट वन इसका जो आंसर आएगा इट विल बी ए इंटू सी डिवाइड बाई बी सी को ए से मल्टीप्लाई कर लोगे बी से डिवाइड कर दोगे ये इसका आंसर आएगा इसके अंदर क्या होगा ए डिवाइड बाई बी इंटू सी इसके अंदर क्या होगा इट विल बी ए इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी याद रखना चाहिए यहां से शुरुआत कर लेते हैं जो दूर वाले होंगे वो न्यूमरेटर में आएंगे जो नजदीक वाले होंगे वो डिनोमिनेटर में आएंगे बी और सी आपस में नजदीक हैं बी और सी क्या है आपस में नजदीक हैं वो डिनोमिनेटर में आ गए ए और डी दूर थे न्यूमरेटर में चले गए याद रखना कि जो नजदीक होगा हिंदी में कहता हूं कोई दिक्कत ना आए जो नजदीक होगा वो कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में और जो दूर होगा वो चला जाएगा न्यूमरेटर में दूर चला जाएगा न्यूमरेटर में नजदीक चला जाएगा डिनोमिनेटर में सेकंड पार्ट पर आते हैं ये यहां पे कैसे अप्लाई होता है सी कौन लिख सकते हैं सी बाई वन ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय जो मैंने सी लिखा है इसको लिख सकता हूं सी डिवाइड बाय वन नजदीक को आप से मल्टीप्लाई कर देंगे दूर को न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये क्या बनेगा ए इंटू वन डिवाइड बाय बी इंटू सी ये बन जाएगा ए डिवाइड बाय बी इंटू सी ये देखिए डिवाइड बाय बी इंटू सी इधर आओ ए को आप लिख सकते हो ए डिवाइड बाय वन बी बाई सी आई थी ये बन जाएगा ए इंटू सी डिवाइड बाय बी इंटू वन ये बन गया ए इंटू सी डिवाइड बाय बी तो ये जो कंसेप्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये तीन पार्ट हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इन पार्ट के अंदर इवन जो प्लस टू का बच्चा है वो भी गलती करता है तो आप ये जो तीन पार्ट हैं ये आप अच्छी तरह कर लीजिए कभी मत भूलिए इस चीज को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपको एक एक चीज एक एक वर्ड आपको माइन्यूटली बारीकी से बताऊंगा ठीक है लेकिन आपने गलती नहीं करनी है मैथ जो है बहुत आसान है और बहुत अच्छा है ओके तो ये आपने लिख लिया समझ में आया होप सो तो हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर रैशनल नंबर ये मैं भी छोड़ देता हूं क्योंकि इस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है वो बोलते डिग्री ऑफ टू रैशनल नंबर रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर को आप आपस में डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा मैंने दो रैशनल नंबर लिए 3/4 डिवाइड बाय 5/6 दो रैशनल नंबर है मेरे पास 3/4 रैशनल नंबर है 5/6 भी रैशनल नंबर है इनको डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा ये वाली प्रॉपर्टी आ गई ए इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी जो दूर हम तो अपने मल्टीप्लाई कर दो 3/6 जो नजदीक वाले उनको आपसे मल्टीप्लाई कर दो 4/5
2 3 are 6, 2 3 are 4, 9 divided by 10, rational number आ गया, ये वाली के फॉर्म में है कि वो 0 नहीं है, right? So it is division of 2 rational number है, rational number. Last property है, वो कर लेते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास वो बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू without considering its sign. जो absolute value ये important term यार है ना absolute value बहुत आगे तक काम आएगी कई जगह इसको mode बोला जाएगा कई जगह इसको absolute value बोला जाएगा तो जो absolute value होती है rational number की वो उसकी numeric value होती है उसके sign को consider किए बगैर sign क्या होता है sign आपके पास दो type के होंगे एक होगा पॉजिटिव साइन एक होगा नेगेटिव साइन पहले पॉजिटिव साइन की बात कर लेते हैं अगर मेरे पास 3 बाय 4 है और पॉजिटिव है ये एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखता हूं एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये सिंबल सिंबल याद रखना सिंबल को मोड भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसकी न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग इट्स साइन इसका प्लस है कोई सी इश्यू नहीं है हमारे पास की न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी मेरे पास माइनस 3 बाय 4 है इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 3 बाय 4 ही आएगी माइनस कंसीडर नहीं किया जाएगा वेदर इट इज इन न्यूमरेटर वेदर इट इज डिनोमिनेटर वेदर इट इज इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये मैंने आपको न्यूमरेटर पे बताया अगर मैं इसको डिनोमिनेटर पे लगा लेता हूं तब भी इसका आंसर 3 बाय 4 ही आएगा अगर मैं दोनों में लगा देता हूं माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 4 तब भी इसका आंसर 3 बाय 4 ही आएगा आप इसको कुछ भी कर लो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहने वाली है इसके साइन को कंसीडर नहीं किया जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन क्या है ये मोड का सिंबल जो है तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की और यहाँ पे आपकी जो रीकैप एक्सरसाइज है उसके कंसेप्ट खत्म होते हैं आप इनको पढ़ लीजिए कोई भी आपको इश्यू हो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा और आगे हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेटजी होगी पढ़ाने की और यही होगी कि पहले हम कंसेप्ट करेंगे फिर हम एक्सरसाइज करेंगे विदाउट कंसेप्ट से हम एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे बीच बीच में जो भी बेसिक्स होंगे मैथमेटिक्स के मैं वो भी क्लियर आपको कराता जाऊंगा राइट ओके थैंक यू